अभी मैं आपके सामने कुकर को खोल के दिखाती हूँ कि हमारी सब्जी कैसे दिखती है। मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाला था, और जो लोग होटल में बनाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वो देगी मिर्च रहती है उसको तेल के साथ गर्म करके सब्जी के ऊपर डाल देते हैं। तो अगर आप लोग का मन करे तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो इसका एकदम लाल कलर आएगा। अभी देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा लाल आया है। और अभी हम इसको थोड़ा सा चम्मच से चला के थोड़ा मसल देंगे, तो ये एकदम ये जो बड़े बड़े पीस दिख रहे हैं तो सब्जी हमारी गाढ़ी और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसको मसल के आपको दिखाती हूँ। मैंने सब्जी को ये मसल दिया है, थोड़ा अच्छे से चम्मच से चला दिया है, तो ये एकदम साथ में आलू और ये सब मिल गया, थोड़ा और कर देंगे। और इसी समय वो जब होटल में या कहीं पे भी बाहर शादी में खाना बनाते तो इसी समय वो जो तेल को देगी मिर्च के साथ गर्म करके ऊपर से डाल देते हैं, तो जो सब्जी का कलर एकदम लाल लाल दिखता है। तो अगर आपका मन करे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये घर में बनाते हैं तो हम लोग को तेल थोड़ा कम ही खाना चाहिए। पर मैंने सोचा मैं आप सबको इसको मैंने इसमें घी डाला है, तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि कैसे ये इसका कलर रेड आता है। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है और हमें इसको सब्जी के ऊपर डाल दूँगी। अभी देखिए इसको ऐसे ऊपर आप डाल दीजिए और ऊपर से इसको ये जो हरा धनिया पुदीना उसके साथ गार्निश कर दीजिए। तो हमारी कद्दू की सब्जी देखिए इसका कलर, और एकदम टेस्टी टेस्टी कद्दू की सब्जी तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छे वीडियो खाने के आप सबको दिखाऊं। धन्यवाद।